सुरक्षा बल अकेडमी टेकन पर में शनिवार को सहायक कमांडेंट के 13वें बैच का भव्य दीक्षांत परेड समारोह अकेडमी टेकनपुर की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई परेड स्थल पर किया गया। इस परेड में 3 महिला प्रशिक्षु अधिकारियों सहित 78 प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल एवं युवा मामले तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री के समक्ष एक शानदार परेड का प्रदर्शन कर किया। परेड का प्रारंभ मार्कर के परेड ग्राउंड पर आने से शुरू हुआ। सलामी लेने से पूर्व मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर ने पहले शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर जाकर पुष्प चक्र एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल के अश्वरोही दल की अगवानी में परेड स्थल पर पहुंचे और वहां परेड की सलामी ली। तत्पश्चात सुसज्जित परेड का निरीक्षण किया। तदुपरांत परेड कमांडर प्रशिक्षु अधिकारी अजीत कुमार सिंह तथा सभी प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर के समक्ष देश के संविधान के प्रति एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपने को समर्पित करने की शपथ ली। मानसिक सजगता, शारीरिक योग्यता तथा बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर विभागीय स्पर्धा के माध्यम से चुने गए इन युवा अधिकारियों में 59 स्नातक तथा 19 स्नातकोत्तर की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। पास आउट होने वाले अधिकारी देश के अलग अलग राज्यों से संबंध रखते हैं। सहायक कमांडेंट को 28 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण की भट्टी में फौलाद की तरह तपाकर सीमा सुरक्षा बल की कुशल प्रशिक्षण टीम ने इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, युद्ध कौशल, निशानेबाजी, बिना हथियार लड़ने की कला, विधि व कानून, मानव अधिकार अधिनियम, पुलिस की रोजमर्रा की कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, मैप रीडिंग, सीमा की निगरानी, आतंकवाद व उग्रवादियों से लड़ने जैसे विषयों के साथ वाहन चलाना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, तैराकी, घुड़सवारी और एडवेंचर ट्रेनिंग का भी गहन प्रशिक्षण दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान इनके व्यक्तित्व को संभालने, चरित्र निर्माण तथा नेतृत्व क्षमता को विकसित करने पर विशेष कार्यक्रम चलाए गए। सीमा सुरक्षा बल की सामान्य ड्यूटी की 3 महिला अधिकारियों ने भी अपने 28 सप्ताह के कठिन तथा चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण के बाद पास आउट हुई हैं। दीक्षांत परेड के अवसर पर मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। 78 ऐसे प्रशिक्षुओं को आज असिस्टेंट कमांडेंट बनने का अवसर मिला है और मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इनमें से 75 पुरुष तो 3 महिलाएं हैं, 19 पोस्ट ग्रेजुएट तो 59 इनमें से ग्रेजुएट हैं। BSF ने बहुत बड़ी भूमिका अपनी देश की सुरक्षा में निभाई है और आगे भी निभाएंगे। क्या काबिलियत है इसके कई नमूने आज हमें देखने को मिले। किस तरह से डॉग शो यहाँ पर हुआ, जहाँ पर किस तरह से प्रशिक्षण ना केवल विदेशी बल्कि देसी नस्ल के कुत्तों को भी देने का काम किया, जो अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर ही BSF ने बड़ा कदम उठाया, जिसमें देसी नस्ल के डॉग्स को भी प्रशिक्षित किया जाता है, वो अपनी भूमिका निभाते हैं। वहीं BSF के जवान ऑफिसर बाइक्स पर जो अपने कर्तव्य दिखाए, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। कोई भी पहलू, किसी भी तरह की कठिनाई हो, किसी भी तरह की चुनौती हो, BSF ने हर समय देश के हित में वो बड़ा काम करके दिखाया है और हम सबको गौरवान्वित किया। चुनौतियाँ सदा रहें, आप कुछ भी बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।